न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो मेरा आसमान में। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने बहुत ही कम उम्र में वाकई में आसमान को छू लिया है, यानी कि पहाड़ों को छू लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द यंगेस्ट माउंटेनियर पंकज कुमार की, जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में इंडियन हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि कंचनजंगा को फतह किया है। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे इस खास शो में, और इसी के साथ ही आपको आपकी कामयाबियों के लिए हमारी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, एंड इनवाइट करने के लिए भी थैंक यू। और सबसे पहला सवाल पंकज मेरा आपसे यही होगा कि देखिए, इतनी कम उम्र में आपने इतनी कामयाबियां हासिल की, वो भी महज 21 साल की उम्र में। पंकज, 21 साल की उम्र में या तो बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर होता है या फिर खेलकूद का जुनून होता है, और आप पहाड़ चढ़ने निकल गए, ये हुआ कैसे? एक्चुअली मतलब मैं पढ़ाई में काफी इंटरेस्टेड था, मतलब अभी भी इंटरेस्टेड हूँ कि पढ़ना काफी अच्छा होता है, बट आउटडोर स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना भी काफी अच्छा होता है। इससे माइंड फोकस्ड रहता है एंड आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो कहीं भी। तो मैं जब बाहर गया नोएडा स्टडी करने के लिए, तो मुझे मतलब पता चला कि अच्छा, इस फील्ड में भी कुछ होता है, आउटडोर में आप कुछ कर सकते हो। तो फिर मैंने इसके रिगार्डिंग पूरा रिसर्च किया कि कैसे क्या होता है, फिर उसमें प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया माउंटेनियरिंग को लेके, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, एंड फिर धीरे धीरे मतलब देखता गया कि अच्छा ये होता है, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं, फिर ऐड करते करते मैं प्रोफेशनली इसी में चला गया। अब पंकज, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्या स्ट्रगल महसूस हुआ, कितनी कठिनाइयाँ इस बीच आई, ये थोड़ा हमें बताइए। स्ट्रगल ऐसा मतलब स्ट्रगल तो नहीं हुआ, बट कह सकते हैं कि पेरेंट्स के तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, तो उतना मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। बट स्ट्रगल ये था कि जब आप नई नई चीज़ करते हो तो लोग को मतलब बताना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले खुद को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप हटके कुछ कर रहे हो, और आपको डर भी लगा होता है कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहा हूँ, मेरा क्या होगा। तो वो मेरे लिए मेंटली काफी मैं डिस्टर्ब रहता था कि सही होगा या नहीं होगा, बट धीरे धीरे स्लोली अच्छा होते गया तो मैं इंटर गया इसमें, स्टार्ट इसी तरह से मतलब स्टार्ट हुआ। पंकज, घर वालों का सपोर्ट मिला था क्या, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने फैमिली को बताते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली वाले बोलते हैं अरे अभी तो ये पढ़ाई करने की उम्र है, पहले पढ़ाई करो, बाकी ये सब बाद में करना, जो भी शौक है बाद में पूरे करना। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ? स्टार्टिंग में मतलब मुझे थोड़ा फेस करना पड़ा था ये, बट मैं उनको काफी मतलब स्टार्टिंग से पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, तो वो समझाए कि अच्छा ऐसा है, तो मैं उनको दिखाता था, वीडियोस दिखाता था, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाता था कि देखिए ऐसा होता है, आप इसमें ऐसे कर सकते हो। तो वो फिर धीरे धीरे उस बात को समझे एंड उनको लगा कि हाँ मतलब मेरा बेटा अच्छा कर रहा है इसमें, तो जाने देते, फिर काफी सपोर्टिव रहे वो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। कोई ऐसा भी था पंकज जिन्होंने डीमोटिवेट किया हो कि नहीं नहीं अरे ये पॉसिबल नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, ये क्या करने निकल पड़े हो तुम, कोई ऐसा भी रहा? मतलब जब स्टार्ट किया तो मतलब काफी लोग बोले कि क्या कर रहे हो, टाइम पास है ये सब, मतलब ऐसे लोग मिलते रहते हैं, आप कुछ भी करो तो लोग मिलते ही है कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, ये तो बेकार चीज है। बट मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मुझे मतलब खुद पे विश्वास है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं करता रहता हूँ। मतलब आप जब कुछ भी कर रहे हो, कुछ अच्छे काम कर रहे हो, तो अच्छा या खराब काम भी कर रहे हो तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है वो चीज, तो वो उनकी नजरिया का बात है, तो मैं इग्नोर करके चलता हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा ये उनके लिए खराब है बट मेरे लिए तो अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं मतलब किसी को मतलब बुरे नजर से नहीं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकले। तो मतलब लोग मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और पंकज, जब आपने इतिहास रचा था तो आपके मामा जी काफी खुश हुए थे, ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? पापा तो एक्टिव रहते हैं बट मम्मी का काफी सपोर्ट रहता है। मम्मी मतलब सब कुछ ध्यान वही रखती है, उनको ज्यादा ध्यान रहता है, केयर करती है, तो वो काफी खुश रहती है। पापा मतलब सो नहीं करते बट इनडायरेक्टली उनका पूरा सपोर्ट रहता है। पंकज, अगर हम आपके दोस्तों की बात करें, क्योंकि काफी बार
जब ऐसा होता है कि घर वाले नहीं समझ पाते हैं, फैमिली नहीं समझ पाती है, तो दोस्त होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं समझते हैं, हमसे जुड़े होते हैं हमारे दोस्त। तो ऐसे लोग जो आपकी इस जर्नी में साथ रहे, जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया, क्योंकि कई बार देखिए दोस्त भी ऐसे होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, वो भी डिमोटिवेट कई बार करने का काम करते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बताइए, क्या ऐसे दोस्त भी रहे जिन्होंने मजाक भी उड़ाया कि अरे नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तुम तो नहीं कर पाओगे। मतलब जब मैं उनको बताता था कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, खुश तो वो बहुत होते थे, बट उनको लगता था ये क्या कर रहा है ऐसे, इसमें क्या होगा। तो फिर स्टार्टिंग में मतलब उनके साथ में इधर उधर जाता था, उनको लेके जाता था रांची में ही, मैं मतलब इधर उधर उनको लेके जाता था कि अच्छा चलो यहाँ पे छोटा पहाड़ है उसको क्लाइम करना है, ऐसे होता है ये होता है, तो वो सपोर्ट करते थे। कोई ऐसा मतलब मुझे, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कोई टांग खींचने वाला नहीं मिला, सब सपोर्टिव लोग मिले, मैं सब मतलब सब मुझे सपोर्ट करते थे। एंड फ्रेंड्स का तो काफी मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है, मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स पेरेंट्स का अलग एक रोल है, फ्रेंड्स जो आपके लाइफ में वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, आपकी जरूरत हो वही सपोर्ट करते हैं, आप मतलब बुरे फेज से गुजर रहे हो आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हो, वही आपके साथ रहते हैं, तो उनका काफी सपोर्ट मिलता था। और ऐसे मतलब कुछ भी लोग ऐसे नहीं मिले मुझे, मतलब सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई भी डिमोटिवेट करने वाले नहीं मिले। और अगर हम यहाँ पे टीचर्स की बात करें तो उनका कितना योगदान रहा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि टीचर्स भी बोलते हैं कि ठीक है आप पहले पढ़ाई करो उसके बाद अपने सपनों को पूरा करना, एंजॉय करना, तो कुछ ऐसा भी रहा या फिर टीचर्स थी जो जिनकी तरफ से आपको मोटिवेट किया गया? स्कूल के टीचर्स का मैसेज आता था कि अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो। एंड कॉलेज में तो मतलब थोड़ा अटेंडेंस का इशू होता था तो उनको समझाता था, कुछ टीचर्स होते थे जो बोलते थे पढ़ाई पे फोकस करो, कुछ बोलते थे बैलेंस भी करो, कुछ सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम जा रहे हो अच्छा, कुछ पढ़ाई से हटके कर रहे हो जाओ करो। बिल्कुल। और पंकज थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्पोर्ट्स खेलने के लिए मिलने वाले जो फैसिलिटी हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ही मिल पाती हैं। धनबाद में रहकर भारत की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने का सपना देखना और फिर उस सपने के लिए मेहनत करना कितना कठिन ही रहा? धनबाद एक्चुअली मतलब मैं रांची बेस्ड रांची में ही रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि आप जियोग्राफिकली ये आप एरिया देखो तो यहाँ ये प्लेट्यू रीजन है, यहाँ पे छोटे छोटे काफी सारे माउंटेन्स है, तो जो इस क्लाइंबिंग में क्या होता है कि एक अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, आप बोल्डरिंग कर सकते हो, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग कर सकते हो, एक्सपेडिशंस कर सकते हो, तो मैं स्टार्टिंग में रॉक क्लाइंबिंग एंड बोल्डरिंग करता था जो कि छोटे छोटे पहाड़ पे होता है, तो मैं घर के आसपास जाता था वहां पे कर लेता था तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता था, फिर मैं सीखते सीखते धीरे धीरे बड़े बड़े एक्सपेडिशन प्लान करके उनको ज्वाइन किया। और अगर हम यहाँ पे प्रेरणा की बात करें तो किससे इंस्पिरेशन आपको मिली पंकज? इंस्पिरेशन जो भी मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स में या जो भी स्पोर्ट्स लोग खेलते हैं मुझे काफी अच्छा लगता है उनको देख के, मुझे एक्चुअली लगता है कि आप कुछ तो अलग कर रहे हो, कुछ आप में एडवांस है, आप पढ़ाई सब कोई कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई जो कर रहे हो खराब काम है, वो भी अच्छे काम है, बट अगर आप कुछ एडवांस कर रहे हो तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो, तो वो मुझे, मैं किन्हीं को भी देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा ये अलग कर रहे हैं तो मैं उनसे इंस्पायर्ड होता हूँ। और इस फील्ड की बात करें तो इस फील्ड में काफी अच्छे अच्छे लोग हैं जो मतलब क्लाइंबिंग को लेकर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं इसको, तो उनसे बात करने को मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। पंकज ऐसा भी होता होगा कि आपकी अचीवमेंट को देखकर लोग आपके पास आते होंगे, बच्चे भी आपके पास आते होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके पास आते होंगे और बोलते होंगे अरे तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, या फिर हमें तुम्हें देखकर मोटिवेशन मिल रही है, तो ऐसा भी कुछ हुआ? थोड़ा इस बारे में जरा हमें बताइए। मैं कल का ही इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक्चुअली जब मैं कल बिहार गया हुआ था, गया के एक छोटे से गाँव में, बहुत छोटे से गाँव, तो उनको पता नहीं मतलब मेरे अंकल या किसी ने बताया था कि ऐसा ऐसा करता, वो मेरे पास स्पेशली मुझसे मिलने आए कि भैया हम आपका वीडियो देखते हैं, आप पहाड़ चढ़ते ऐसे ऐसे बहुत अच्छा लगता है हमें, और मतलब वो एक्चुअली वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे मेरे से कि आप कुछ अलग कर रहे हो, काफी अच्छा लग रहा है, आप ऐसा कर रहे हो कैसे करते हो आप बताओ हमें, तो मैं उनके साथ लगभग आधा घंटा टाइम स्पेंड किया, उनको सारा वीडियो दिखाया बताया आप ऐसे कर सकते हो ये कर सकते हो, तो काफी अच्छा लगता है ऐसे, मतलब आप किसी के इंस्पिरेशन बनो तो ये खुद में काफी अच्छा, आपको काफी अच्छा फील होता है। बिल्कुल। और पंकज आप आईपीएल तो देखते ही होंगे?
आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है और राज्य की महेंद्र सिंह धोनी की तो धूम देखने को ही मिल रही है। देखिए किस तरह से बेहतरीन वो आगे बढ़ रही हैं क्रिकेट में। कहने का मतलब ये है कि फिलहाल देखिए देश में स्पोर्ट्स के नाम पर क्रिकेट या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट की ही हवा चल रही है, लेकिन इस हवा से उलट आपने ट्रैकिंग को अपना जुनून बनाया, कैसे? इसमें क्या है कि अब जैसे स्पोर्ट्स में क्या है कि क्रिकेट में जो भी है मार्केटिंग कंपनीज है वो उनको प्रमोट कर रही है, लोग भी देख रहे हैं, ऑडियंस ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा प्रमोट है। आउटडोर्स में क्या है कि अभी खेलने वाले भी कम है प्लस ऑडियंस भी कम है, तो इस कारण से इसमें थोड़ा इशू फेस करना पड़ता है। बट वैसा नहीं है कि जैसे अब फुटबॉल की बात करें तो अभी काफी क्रेज में चल रही है, पहले नहीं थी, तो ऐसा नहीं है कि आउटडोर स्पोर्ट्स भी क्रेज में नहीं आएगी धीरे धीरे। मतलब किसी को तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन एक्शन आना पड़ेगा, तो मैं अभी उसी के लिए मैं इन एक्शन में हूँ कि आउटडोर स्पोर्ट्स भी इंडिया में मतलब काफी अच्छे से प्रमोट हो और धीरे धीरे इसके भी ऑडियंस बने, ताकि जो भी मार्केटिंग कंपनीज है फ्रेंचाइजीज है इसको भी स्पॉन्सर करे अच्छे से। लेकिन इस बीच में किसी ने ये नहीं कहा कि गुरु अरे तुम किस और चल पड़े हो, या फिर गुमराह करने की कोशिश किसी ने की हो ऐसा कुछ? उनको तो लगता था, मतलब स्टार्टिंग में काफी लोगों को लगा कि अच्छा मैं टूर पे जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, कि हिमाचल चला गया घूमने, उत्तराखंड, तो उनको लगता था कि मतलब मैं वो बैरागी बोलते हैं ना, बैरागी बन गया हूँ, घूमते रहता हूँ। फिर उनको धीरे धीरे समझ में आया अच्छा ये तो ऐसा कर रहा है, इसमें स्पोर्ट्स होता है, आप इसमें ऐसा एक्सपेडिशन कर सकते हो। तो उनको मतलब एक्चुअली क्या अवेयरनेस की कमी है, तो उनको समझाना पड़ता है, और मतलब मैं पीछे नहीं हटता, कोई भी इंटरेस्टेड होता है तो मैं उनको समझाता हूँ कि ऐसा ये होता है, काफी सारा फील्ड है आप इसमें चूज कर सकते हो ऐसा है। बिल्कुल। और पंकज देखिए आपने जिनका रिकॉर्ड तोड़ नेशनल रिकॉर्ड बनाया है वो उत्तराखंड से हैं, मतलब कि प्रॉपर पहाड़ी राज्य से, आप धनबाद से हैं, और ऐसे में अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करते थे ये थोड़ा हमें बताइए। जब मैं एक्सपेडिशंस या कुछ भी प्लान करता था तो मैं मनाली में अपना बेस शिफ्ट कर लेता था, मैं अपना 4 महीने 5 महीने वहीं पे अपना टाइम देता था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता था कि इसमें इस स्पोर्ट्स में आपके लंग्स मजबूत होने काफी इंपॉर्टेंट है, लंग्स, आपकी बॉडी, आपका जो भी स्टेमिना है वो काफी अच्छा होना चाहिए। तो मैं मनाली में जाता था, वहीं पे अपना बेस सेटल्ड करके रोज सुबह रनिंग करता था, फिर शाम में रनिंग किया, फिर अल्टरनेट डेज पे जिम गया, फिर मतलब वो पैटर्न कंटिन्यू करता था, तो उस तरह से मतलब ट्रेनिंग होते जाती थी। पंकज फैमिली का सपोर्ट शुरू से ही था? जी स्टार्टिंग से फैमिली का, उनको बस थोड़ा समझाना पड़ा, बाकी फैमिली का सपोर्ट मेरे स्टार्टिंग से ही था कि आप कुछ भी करो हम आपके साथ हैं। क्योंकि काफी बार होता है बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद रूठना भी हो जाता है, उसके बाद मनाना भी हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं रहा आपके साथ, सब कुछ क्लियर था, मतलब सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चला आगे। सारा कुछ क्लियर था, बस यही था कि मैं आपको समझाना पड़ता, आप अगर सही तरीके से समझाओ तो पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि अच्छा ये कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर यहाँ पे हम पढ़ाई की बात करें पंकज, क्योंकि एक तरफ प्रैक्टिस करना, दूसरी तरफ पढ़ाई को भी पूरा अपना समय देना, ये मैनेज आप कैसे करते थे? जब भी मतलब मेरा एक्सपेडिशन होता था तो मैं स्टार्टिंग में जब कॉलेज में था तो अटेंडेंस इशू होता था, तो जो भी समर ब्रेक्स हुआ, लॉन्ग वीकेंड्स हुए, तो उसमें मैं एक्सपेडिशन प्लान करने की कोशिश करता था, और डेली रूटीन में तो ट्रेनिंग फिक्स कर रखा था कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम ट्रेनिंग करना है, और प्लस कॉलेज में थोड़ा टाइम निकल ही आता है, 2-3 क्लास होते थे, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे टाइम देना है, तो मैं ट्रेनिंग्स पे ही टाइम देता था। बिल्कुल। और अगर हम इस प्रैक्टिस की बात करें पंकज, तो देखिए प्रैक्टिस के समय भारी वजन लेकर पहाड़ पर चलना पड़ता है, जिम में पसीना बहाना पड़ता है घंटों, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी सिर्फ 21 साल की उम्र में। घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि छोड़ ये सब क्या कर रहा है कुछ और ही कर लियो? मैं उनको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करता था कि आप भी एक्सरसाइज करो फिट रहोगे। और अगर हम प्रैक्टिस और पढ़ाई की बात करें तो किस तरह से आप कितना समय पढ़ाई को और कितना समय एक्सरसाइज को देते थे? एक्सरसाइज को बस मतलब 10 से 12 किलोमीटर पर डे रनिंग करना है, अपना डाइट पे ध्यान देना है आपको, एंड स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग जो होता था वो 1 घंटा बस काफी है। और जब एक्सपेडिशंस नजदीक आते थे, सपोज 1 मंथ बचा हुआ आपके एक्सपेडिशंस में कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स है, तो उसके पहले मैं मनाली शिफ्ट होता था और वहां पे प्रॉपर सिर्फ ट्रेनिंग पे ही ध्यान देता था, उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करता था।
पंकज, अगर हम आज के युवाओं की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो अब आ चुके हैं, बच्चे ये सोचते हैं, क्योंकि पहाड़ चढ़ना ये सोचने में भी बहुत मुश्किल लगता है, बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम कुछ और ही कर लेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि घर वालों ने तो ऐसा नहीं कहा होगा, तो बच्चे आज के जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, और आप इस दौरान इस तरफ मुड़े, आपने ट्रैकिंग को चुना, इस स्पोर्ट को चुना, आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इसमें आना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो डर जाते हैं, अरे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो कोई और ही हम प्रोफेशन चुन ले। मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप जब सपोज आप चूज कर रहे हो कि मुझे ट्रैकिंग में, क्लाइंबिंग में, माउंटेनियरिंग में जाना है, तो मेहनत क्या है, मेहनत तो आपको करना ही है। आप एज अ डेली डेली रूटीन फॉलो करोगे ट्रेनिंग का, तो आप नॉर्मल अपने लाइफ में भी करते हो, प्लस पढ़ाई भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको मेहनत करना है। अगर आप बिजनेस सेटल करोगे उसमें भी करना है, तो मेहनत तो सारी जगह पे आपको मेहनत करना ही, आप मेहनत से पीछे नहीं भाग सकते हो। बिल्कुल, और पंकज मेहनत सिर्फ आपने नहीं, घर वालों ने भी खूब की होगी, क्योंकि एक तरफ आपकी प्रैक्टिस, उसके बाद पढ़ाई भी, और साथ ही साथ आपकी डाइट की भी देखरेख, यानी कि घर वाले भी उतने ही प्रेशर में आ चुके होंगे। जी मम्मी तो काफी प्रेशर में रहती है, क्योंकि जब बाहर जाता था तो एक महीने तक तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ नेटवर्क रहता था, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर मम्मी काफी परेशान भी रहती थी। जब घर आता था तो प्रॉपर ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल, और इतनी मेहनत करने के बाद जब आप पढ़ाई करने बैठते थे तो शरीर दुखता भी था या फिर नहीं? नहीं, मतलब जब एक्सपीडिशन से आता था तो पहले तो 15 दिन रिकवरी, बॉडी को फुल रेस्ट देता था रिकवरी के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 to 8 kg आपका वजन रिड्यूस हो जाता था। उससे क्या होता था कि आपका फूड पैटर्न बिगड़ जाता था, जो हम ऊपर खाते थे यहाँ पे नहीं खा सकते थे, तो बॉडी को धीरे धीरे स्लाइटली लिक्विड डाइट पे रख के फिर 15 दिन रिकवर किया, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई पे आगे चीज पे फोकस। बिल्कुल पंकज, मैं उन लोगों के लिए, उन यंग बच्चों के लिए आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम अगर बाकी सिटीज़ की बात करते हैं, फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत है, लेकिन जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं। जो बच्चे इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं उनकी फैमिली के पास, जो वो इस स्पोर्ट में आगे आ सकें या फिर पैसा लगा सकें, वो किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं पंकज? सबसे पहले आप माउंटेनियरिंग में जाना चाहते हो, आप इसके बारे में पहले रिसर्च करो कि अच्छा इसमें ये होता है, इसमें इतनी दूर तक हम जा सकते हैं, इसका क्या स्कोप है, और इसमें आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको मजा आएगा या नहीं आएगा। फिर आप जो भी इंस्टीट्यूट है, इंडिया में 3 काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, आप उनमें से चूज करो कि मुझे यहाँ ज्वाइन करना है, वहाँ कोर्स करो। कोर्स का फी काफी कम है, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, तो 15,000 to 16,000 में आपका कोर्स 1 month का कंप्लीट होगा विथ फूड एंड एवरीथिंग। एंड अगर आप कोर्स में कंटिन्यू कर रहे हो, तो सपोज आप एक छोटा सा कुछ किसी चीज का कोचिंग भी करते हो, तो 15,000 to 16,000 लग जाता है। तो आप वो अरेंज करके आप वो कोर्स करो, 1 महीने का जो कोर्स होता है, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं इसमें कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसमें मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, बॉडी को इतना प्रेशर मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर अगर आपको फिर धीरे धीरे इस फील्ड में टाइम दो, एंड जो भी एक्सपीडिशंस करने हैं कंपनीज को अप्रोच करिए कि हाँ मुझे स्पॉन्सर चाहिए, और आप एक्सपीडिशन फिर करिए। और ये भी बोलूंगा कि आप एक ही बार एवरेस्ट का सपना मत देखिए कि मुझे वहाँ इतना पैसा लगेगा ये करना, आप छोटे छोटे पिक से ट्राई करिए जो 10,000 में भी हो जाते हैं, 20,000 to 30,000 में भी हो जाते हैं, और वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। काफी ऐसे कंपनी होते हैं जो अलग चीज को स्पॉन्सर करती है। पंकज, आजकल के लोग ऐसे हैं कि वो घूमने जाते हैं, पहाड़ों का रुख तो ज़रूर करते हैं, लेकिन चलना लोगों को पसंद नहीं है, ट्रैकिंग करना पसंद नहीं है, थोड़ी देर भी चलते हैं तो वो थक जाते हैं। हम डाइट की वजह से कहें, उम्र की वजह से कहें, जो हमारा आज का रहन सहन हो चुका है, और ऐसे में देखिए आपने केटू की आज हम बात करते हैं, कंचनजंगा, वहाँ पर पहुँच कर कैसा लगता है वो एहसास थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि एक महीना लंबा सफर करके आप वहां तक पहुंचे और उसके बाद जो मेहनत सफल हुई वहां पहुंचकर, वो एहसास क्या होता है? जब आप ऊपर पहुंचोगे मतलब आपको कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डेड जोन में रहते हो, तो आपका इमोशंस कुछ भी काम नहीं आएंगे, आपके बॉडी में कुछ पता नहीं चलेगा। आप ऊपर जाओगे, आप देखोगे, आपके माइंड में सब कुछ कैप्चर हो गया कि मैं इतनी हाइट पे हूँ, वहां पे ये है, बादल दिख रहा है नीचे। फिर आप जब नीचे आके कैंप में एक दिन रेस्ट करते हो,
तब आपको सारा मेमोरी रियलाइज होता है कि अच्छा मैं उस जगह पे गया था, वहां पे ऐसे गिर सकता था, ये होता है। ऊपर तो आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, बस आप कॉन्सियस एंड फोकस रहते हो कि अच्छा मुझे सेफली नीचे जाना है, ऊपर मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है कि एक्सीडेंट हो जाए, फटाफट सारा ऊपर क्लाइंब करके तुरंत नीचे आना है वेदर खराब होने से पहले। ऊपर जाके जो व्यू है आप उसको थोड़ा मतलब 2-3 मिनट एंजॉय करते हो और उसके बाद नीचे आता है, और वहां पे आपको वो फील करने का मौका भी नहीं मिलता है, कोई इमोशंस काम नहीं करते। आप वापस कैंप में आकर रेस्ट लेते हो, प्रॉपर एक नींद लेते हो, उसके बाद आपके माइंड में रियलाइजेशन चालू होता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऊपर गए थे, फिर अपने जो वीडियोस फोटो लिया है वो देख के रियलाइज करते हो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत तो करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट आते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पर ख़राब हो जाती है कई बार, या फिर वो चढ़ नहीं पाते हैं, ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने ट्रैकिंग की ही नहीं, बल्कि आप ऊपर तक पहुंचे, फतेह किया। जो थकान इस बीच 1 महीने की अगर हम बात करें, ऊपर पहुंच के वो थकान महसूस होती है, या फिर ऊपर पहुंच के ऐसा लगता है कि मेहनत सफल हो गई, कोई थकावट महसूस नहीं है होती अब? एनर्जेटिक, आपको एनर्जेटिक तो बिल्कुल फील होगा, मतलब माइंड से जो भी आप, बॉडी तो ऑलरेडी आपकी डल है, आपने जो मेहनत किया है वो डल है, लेकिन आपको एक अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी होती है कि हाँ मैं आखिर जिस चीज के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, मेरा 1 मंथ टोटल कंप्लीट हुआ एंड वो सफल हो गया, वो आपको एनर्जी देता है। फिर जब आप डाउन नीचे आते हो तो उसमें आने में आपको उतना दिक्कत नहीं अच्छा, होगा, आप नीचे आने का मन करता है एनर्जेटिक। ऐसा, या फिर ऐसा लगता है कि बस यहीं हम रुक जाएं, यहीं रहें, या फिर नहीं ऐसा नहीं लगता? वो क्या एहसास होता है? आपको नहीं लगा था कि आप वापस आओ, या फिर आपको लगा कि मैं यहीं रुक जाता हूँ, अब नहीं जाता वापस? नहीं नहीं नीचे आने का मन करता है, ऊपर काफी खतरनाक होता है। अब इस उपलब्धियों के बाद, क्योंकि इसके बाद आपने और भी कई अगर हम कामयाबी हासिल की, सरकार की तरफ से भी आपको सराहना मिली, उस वक्त क्या फीलिंग आई आपके अंदर? मुझे काफी, सबसे पहली बात कि मुझे काफी अच्छा लगा कि जब रांची जैसे, रांची धनबाद झारखंड जैसे छोटे शहर में यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज को अप्रिशिएट कर रही, तो वो बहुत बड़ी बात है। और मैंने उनको ये मतलब उनके उनके पास मैंने ये किया भी नहीं था कि आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करो, मैं पहले से कोशिश कर रहा था, बट इस एक्सपीडिशन जो कंचनजंगा का एक्सपीडिशन था, मैंने उनको कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था इसके रिगार्डिंग, उन्होंने खुद से ये रिकॉग्नाइज किया, तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ था कि हाँ मतलब गवर्नमेंट इस चीज को लेके कम से कम उनको समझ तो आ रहा है कि हाँ आउटडोर एक्टिविटीज जो भी आउटडोर स्पोर्ट्स है वो भी मतलब होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, गुजरात की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और ये सब स्टेट काफी बड़े हैं, काफी मतलब वहाँ के पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेटेड लोग हैं, और झारखंड जैसे छोटे जगह पे यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज को अप्रिसिएट कर रही थी, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ट्रैकिंग को हर कोई अपनाता नहीं था, इससे जुड़ता नहीं था, अब बहुत से लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, इसको अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। क्या आपको लगता है पंकज, जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे हम खेल मंत्रालय की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, या फिर हम केंद्र सरकार की बात करें, वो कदम काफ़ी हैं इसके लिए, या फिर और भी आगे कदम उठाए जाने चाहिए, और किस तरह के कदम, क्या आप कहेंगे इसको लेकर? इसमें मतलब सबसे पहले तो हमारे जो झारखंड की खेल नीति है उसमें आउटडोर स्पोर्ट्स जैसा कुछ भी नहीं है, जो भी फोकस्ड होता है वो हॉकी के लिए होता है, फुटबॉल के लिए होता है, या फिर जो भी अलग अलग छोटे छोटे स्पोर्ट्स है, आउटडोर स्पोर्ट्स जैसा खेल नीति में कुछ नहीं है। सबसे पहले मतलब आपको खेल नीति में इस चीज को इंक्लूड करना होगा ताकि जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं वो उनको लगे कि हाँ मेरा मेहनत कहीं ना कहीं सफल होगा, मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ गवर्नमेंट के नजर में ये चीज आएगी, कि क्योंकि वो उनके खेल नीति में ये आपको एक एश्योरेंस पॉइंट मिलती है। तो सबसे सबसे पहला कदम तो इसके रिगार्डिंग उठाना पड़ेगा कि आपको खेल नीति में आउटडोर स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करिए। और दूसरी बड़ी बात कि आपका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है झारखंड का, उसमें काफी सारा जंगल, नदी, पहाड़, आप माउंटेनियरिंग, बोल्डरिंग, पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग, इतने सारे आउटडोर स्पोर्ट्स आप करवा सकते हो जो कि नेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल पे होती है। तो आप खेल नीति में इसको, सबसे पहले आपको खेल नीति में इसको इंक्लूड करना चाहिए। प्लस दूसरा कि जो भी आप अप्रिसिएशन देते हो किसी को, जैसे मुझे क्या हुआ कि मुझे सीएम हाउस के तरफ से उन अप्रिसिएशन फंड मिला, उनके तरफ से अप्रिसिएशन मिला, अगर यही चीज मुझे मतलब खेल विभाग से मिलता तो मुझे और भी खुशी मिलता कि हाँ खेल विभाग के लोग इसके प्रति काफी अच्छा मतलब सपोर्ट कर रहे। और पंकज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इतनी सफलता हासिल करने के बाद बहुत से लोग हैं जो जानने लग जाते हैं, अब
और साथ ही साथ देखिए सेल्फी लेने की भी होड़ लग जाती है कि कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको देखा और ये कहा कि देखो द यंगेस्ट माउंटेनियर जा रहे हैं पंकज और आपके पास आए हो सेल्फी ली हो, और ऐसा कुछ वाक्य आप शेयर करना चाहें? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट लेकिन जो भी मेरे द्वारा जानने वाले लोग से कोई मुझे जानते हैं, जैसे मैं कभी किसी के शादी में चला गया, कहीं गया, मुझे गांव में रहना बहुत पसंद है तो मैं गांव जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ, तो वहां के बच्चे लोग को पता होता है कि भैया एक है जो ये सब करते, तो वो आके मिलते हैं, वो कभी कभी बोलते हैं कि फोटो खिंचा लीजिए, मतलब ठीक है खींच लो, क्या दिक्कत है, तो इधर ही घूमता है। फोटो खिंचा लेते हैं, लाइक्स आ जाएंगे, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, लाइक्स बढ़ जाएंगे हमारे, सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। बाकी वैसा कुछ नहीं, मैं नॉर्मल रहता हूँ, नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि लोग मेरे पास आए, मुझसे पूछे, मैं उनको बताऊं कि हाँ ये ऐसा होता है, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बिल्कुल पंकज, मैं उन पेरेंट्स के लिए आपसे पूछना चाहूँगी जो पेरेंट्स, जैसे आपने कहा आपके पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे, उनको ज़्यादा मनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं आपको, लेकिन बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनको जो बच्चे समझाते रह जाते हैं कि हमें हमें एज अ प्रोफेशन इसे चुनना है, हम चाहते हैं माउंटेनियर करना, हम ट्रैकिंग करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते, वो कहते हैं पहले पढ़ाई करो उसके बाद सोचेंगे, या फिर वो बिल्कुल मना कर देते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप जब बच्चे कुछ बोलते हैं, मतलब आप रिजिड नहीं हो जाइए, उनकी बातों को भी समझिए, अपनी बातों को भी रखिए, और ठीक है पढ़ाई तो जैसे कि मैं भी पढ़ाई कर रहा था और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, बैलेंस होता नहीं है बट कोशिश तो हम कोशिश ही कर सकते कि दोनों चीज को बैलेंस कर सके, फिर अगर आप उनको ये अलाउ कर दोगे तो आपके बच्चे काफी अच्छे करेंगे। और आप अपने बच्चे को मौका देके देखिए, अगर सपोज वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको फुटबॉल खेलना है, अगर वो फुटबॉल में काफी अच्छा करने लगे पढ़ाई के साथ साथ, तो वो उनके लिए बोनस पॉइंट है। आप उनको मौका देके देखिए, डायरेक्ट रिजेक्ट मत कर दीजिए कि नहीं तुम्हें नहीं करना। बिल्कुल। और पंकज एक आखिरी सवाल, आगे की अगर हम जर्नी की बात करें फ्यूचर में, तो क्या आपके प्लान्स हैं, क्योंकि इतनी सारी उपलब्धियां तो आपने अपने नाम कर ही ली हैं, अब आगे क्या प्लान है? इस साल मतलब इस साल तो मैं छोटे छोटे एक्सपेडिशंस करने वाला हूँ, और अभी मैं दो दिन पहले स्विट्जरलैंड की जो स्कूल है पैराग्लाइडिंग की, मैं अभी पैराग्लाइडिंग का कोर्स कर रहा हूँ, पैराग्लाइडिंग पायलट का, तो उस पैराग्लाइडिंग को इन्वॉल्व करके मैं माउंटेनियरिंग को इन्वॉल्व करूंगा, और फिर मैं जब माउंटेन क्लाइंब करूंगा तो वहां से पैराग्लाइड करके नीचे आऊंगा। तो इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, जैसे इंडिया में गढ़वाल हिमालयाज में एक पीक है माउंट सिबलिंग, मेरा उसका एक्सपेडिशन है इस साल, मैं उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो पंकज हम जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और आपको सफलताएं मिलती रहें। पंकज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे द यंगेस्ट माउंटेनियर पंकज कुमार को, जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में ही इंडियन हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को फतेह किया, उसके बाद कई उपलब्धियां अपने नाम की। आज हर कोई इन्हें जानता है, इनसे ही हम बात कर रहे थे जिनकी तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से ट्रैकिंग को लेकर कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो रांची में रहकर उस जगह पर रहकर, क्योंकि उनकी जगह पर जहाँ पे वो रहते हैं इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि इस पर और सरकार काम करे। इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे कि उनके आगे क्या प्लान्स हैं, वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहते हैं, बाकी प्लानिंग उनकी यही है जिस तरह से उन्होंने बताया। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश मेरा आसमान में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हैं।